कहावत है, एक चुप हजार सुख, यानी मौन रहना। क्या फायदा उस मौन से जो समय पर आपके किसी काम ना आए। जरा सोचिए, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को कुछ भी भला बुरा सुनाकर उसे ठेस पहुंचा रहा होता है। जब एक व्यक्ति अपने विचार या तर्क या यूं कहें जिरह कर रहा हो, कुछ भी अनाप शनाप कह रहा हो, तो कई विद्वान व्यक्ति मौन रहते हैं। उनके हिसाब से मौन रहकर दूसरे व्यक्ति को मूर्ख साबित किया जा सकता है, किसी संकट को रोका जा सकता है। मौन में बहुत शक्ति होती है, परंतु क्या आपको नहीं लगता कि मौन रहने से किसी बड़े संकट को जन्म दिया जाता है? बिना कारण मौन रहना यानी बुराई को बढ़ावा देना है। हमारा मौन रहना अनजाने में ही उसका समर्थन बन जाता है। वह सामने मौन हुए व्यक्ति को कमजोर समझता है और भी बलवान हो जाता है। उसके जिह्वा पर अपशब्दों की बाढ़ सी आ जाती है, क्योंकि मौन का अर्थ हाँ भी तो होता है। यानी वह विद्वान मौन व्यक्ति अपने को अपराधी साबित कर देता है। वह अपनी गलती को मान लेता है, परंतु अगर वो गलत नहीं है तो उसके मौन रहने से उसकी मानहानि होती है। इस विवाद को सुलझाने के लिए यह जानना बेहद ही आवश्यक हो जाता है कि मौन ही क्यों रहना। अधर्म को रोकने के लिए हमें मौन तोड़ अपना तर्क रखना ही चाहिए, जिससे कि समस्या को सुलझाया जा सके। नहीं तो यह विष का प्याला बन जीवन नरक कर देता है। क्यों ना अपना तर्क देना, इसका कारण क्या है? इसका कारण है डर। परंतु ये कैसा डर जो आपको कुढ़न देता है? इस डर को अपने मन से निकालिए और अन्याय का विरोध कीजिए, फिर देखिए आप कितना आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। राधे राधे।